इसे हम देखते हैं जनाब इसमें क्या क्या खूबियाँ आएंगी और इसे आपको दिखाएंगे। ये वायरलेस चाह रहे हैं तो वायरलेस हेडफोन भी ये सपोर्ट करता है। अगर ये आप देख रहे होंगे ये क्यूएस के हेडफोन हैं, जो आप दोनों में देखेंगे तो पहली बार फर्क तो आपको क्वाइल का दिखेगा। क्यूएस एक्स 10 को अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आईडी में ये लेटेस्ट मॉडल हैगा, देखेंगे कवर भी इसके साथ हम दे रहे हैं आपको, जिससे आपकी क्वाइल की लाइफ मजीद बढ़ जाती है। ये पीछे फ्लैश लाइट है और रात में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी इजीली, और ये पूरी जो मशीन हैगी ये 10 फीट पानी के अंदर यूजर मोड लिखा हुआ है, यूजर मोड पर हमने किया हुआ है इसे, और इसकी सेंसिटिविटी आप देखें हमने 60 पर रखी हुई है, आप इसे 100 तक बढ़ा सकते हैं। इसके पास एक गोल्ड का रिंग है, छोटा सा, बिल्कुल छोटे साइज का गोल्ड का रिंग है, इसे देखते हैं कितने इंच पर इसे डिटेक्ट करता है। जी नहीं जी, ये पूरे 3 फीट तक तो इजीली कर रहा है, इसके लिए हमें छोटा पड़ रहा है। अब इसके साथ कोई बड़ा इसके लगा कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज क्यूस्ट एक्स 10 गोल्ड मेटल डिटेक्टर आईडी मैक्स जो लेटेस्ट वर्जन इनका आया है इसकी वीडियो शूट कर रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे जनाब ये जो नई मशीन आई है इसमें क्या क्या खूबी है, कितने रेंज पर काम करती है, कितने जमीन सर्च कर सकती है और इसमें कौन कौन से मोड मौजूद आएंगे, इसे अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, इसकी रेंज भी चेक कराएंगे। देखिए बिल्कुल छोटी सी ये फोल्डेबल है और ये टेलीस्कोपिक है, बिल्कुल छोटा सा साइज, ये देखिए इसे खोल कर ये बड़ा कर रहे हैं और ये टेलीस्कोपिक है, हाइड्रोलिक है, इसे छोटा या बड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। इसे ये देखें और छोटी हो गई और इसकी जो क्वाइल हैगी ये भी आप आगे पीछे अपनी मर्जी से बैग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसे हम देखते हैं जनाब इसमें क्या क्या खूबियाँ आएंगी और इसे आपको दिखाएंगे। ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें एक्सटेंड के अंदर इससे पहले जो मशीन आ रही थी वो भी आपके सामने मैं रख कर दिखाऊंगा। यहाँ पर ये पुराना वर्जन है और ये नया वर्जन है, आप दोनों में देखेंगे तो पहली का फ़र्क तो आपको क्वाइल का दिखेगा कि पहली जो मशीन आती थी इसकी क्वाइल का साइज था 9 इंच का और अभी जो आई है इसका 11 इंच का साइज है क्वाइल का, और ये वाटर प्रूफ क्वाइल के साथ है, नए ब्लेड टर्बो डी गोरिल्ला क्वाइल है, ये हाई स्पीड में सर्चिंग करती है और बड़ी एक्यूरेसी के साथ सर्चिंग करती है। AMD का सबसे एडवांटेज आपको ये है कि यहाँ से आप लेंगे तो हम कोई भी हमसे कस्टमर एक्स 10 मशीन ले रहा है तो हम इसको बड़ी क्वाइल के साथ ही दे रहे हैं, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहेंगे। इससे मजीद गहराई तक आप सर्चिंग कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली भी आगे हम चलकर देखेंगे इसी वीडियो में कि कितने गहराई पर ये काम करती है। फिर इसके अंदर खूबी और भी ये दी है कि जनाब इसके अंदर जो स्क्रीन दी है आप देख रहे होंगे इसमें लाइट जल रही है, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, रात में काम करने इजीली है, और इसमें फ्लैश लाइट भी दी गई है। फ्लैश लाइट से सबका एडवांटेज ये होता है कि आप रात में काम कर रहे हैं तो क्वाइल पर लाइट पड़ रही होती है, अंधेरे में भी काम कर सकते हैं इस पर इजीली। इसके अलावा इसके अंदर खूबी और भी दी है नए वर्जन के अंदर, इसके साथ वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन भी आप लगा सकते हैं और ये भी AMD पाकिस्तान पर अवेलेबल है। इसे खोल कर दिखाएगा जरा, इसके अंदर नॉर्मली इसमें से आवाज़ आती है, आप नॉर्मल हैंड फ्री भी लगा सकते हैं और आप अगर वायरलेस चाह रहे हैं तो वायरलेस हेडफोन भी ये सपोर्ट करता है। ये आप देख रहे होंगे ये क्यूएस के हेडफोन हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैंगे और ये वायरलेस है, ये भी रिचार्जेबल होता है और इसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो नए वर्ल्ड में सबसे ये एडवांटेज दिया हुआ है, ये न्यू जो वर्जन है ये एक्स 10 आईडी मैक्स है, नई टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा गहराई तक ये सर्च करती है, और ये पुराना वर्जन है जिसमें छोटी क्वालिटी है और इसकी डीप कम है। चलते हैं जनाब इसको सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसकी रेंज भी चेक करते हैं जनाब, इसकी रेंज कितनी आएगी और क्या क्या फीचर हैं वो भी आपसे भी डिस्कस करते हैं। क्यूएस एक्स 10 को अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आईडी में लेटेस्ट मॉडल है, बड़ी क्वाइल के साथ आता है, वायरलेस हेडफोन भी सपोर्ट करता है, ये ऑप्टिनल आप चाहें तो ये भी हमसे ले सकते हैं और ये 2 साल वारंटी के साथ AMD पाकिस्तान पर अवेलेबल है, आप घर बैठे भी इसे मंगवा सकते हैं। तो अभी देखेंगे जनाब इसे बॉक्स को हम खोलेंगे, काफ़ी लाइट वेट है मशीन और इसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या डिटेल्स हैं, इसकी तफसीलात भी आपको साथ साथ देख बताते जाएंगे और प्लस प्रैक्टिकली इसमें कर वीडियो में दिखाएंगे भी आपको इसकी कितनी रेंज का काम करता है। ये वो मशीन है जिसमें डिफरेंट टाइप के मूड्स होते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे फेड मूड है, गोल्ड मूड है, पार्क मूड है और यूजर मूड, अपनी मर्जी से कोई भी मूड आप इसमें सेट कर सकते हैं। फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये फील्ड यहाँ लिखा हुआ रहा है, इसके अलावा ये गोल्ड मूड है इसके अंदर पार्क मूड है और यूजर मूड अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं, इसमें आयरन वगैरह को भी आप बंद कर सकते हैं। चलते हैं आप इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सामान आ रहा है। तो ये एक बॉक्स को हम ओपन कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे ये क्वाइल आपको मिली है, वाटर प्रूफ क्वाइल है टोटल और 8 ग्राउंड बैलेंस मशीन के अंदर मौजूद है, ये 11 इंच की वाटर प्रूफ क्वाइल आप देख रहे हैं।
और इसके साथ इस पर कवर भी आएगा, इसकी सेफ्टी के लिए जो देखेंगे कवर भी इसके साथ हम दे रहे हैं आपको, जिससे आपकी कॉइल की लाइफ मजीद बढ़ जाती है। ये जो कॉइल है टर्बो डी गोरिल्ला कॉइल है और ब्लैक टर्बो डी गोरिल्ला कॉइल के नाम से पहचानी जाती है, दुनिया में नंबर वन कॉइल में इसका शुमार होता है। इसके अलावा इसका सेंटर यूनिट इसमें से निकाल लेंगे, इसका सेंटर यूनिट है और देखते हैं कि ये चार्ज ही किसी से देखते हैं, अभी ये सेंटर यूनिट को देख रहे हैं, इसमें लाइट भी आप ऑन कर सकते हैं, देखेंगे लाइट इसमें ऑन हो गई है और इसमें बैक साइड पर फ्लैश लाइट भी दी गई है। तो मैं इसे एक दफ़ा और करता हूँ, ये आप देखें पीछे फ्लैश लाइट है और रात में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी इजीली, और ये पूरी जो मशीन हैगी ये 10 फीट पानी के अंदर अंडर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, टोटल वाटर प्रूफ मशीन हैगी ये। वायरलेस हेडफोन भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था वायरलेस हेडफोन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वायरलेस फोन भी हमारे पास अवेलेबल हैंगे, ये वायरलेस फोन में रिचार्जेबल है और ये भी क्यूएस कंपनी का ओरिजिनल वायरलेस हेडफोन है। इसके साथ नहीं आता, मगर अलग से आपको चाहिए अगर मामूली से चार्जिंग है इसके, वो भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे इसके एसेसरीज की तरफ, देखते हैं एसेसरीज बॉक्स में क्या क्या मौजूद होंगी। नट बोल्ट होंगे जो क्वाइल और बॉडी के साइड एज होते होंगे, ये वॉशर होंगे जो आपको इसके साथ मिल जाएंगे, इसका चार्जिंग केबल हैगा, जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं इसी तरह से भी चार्ज कर सकते हैं, तो बेल्ट क्लिप टाइप कर दिया है इन्होंने, और ये अगर इसके साथ आप हैंडफोन लगाना चाह रहे हैं, मोबाइल का हैंडफोन लगाना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी दिया है, वायरलेस नहीं लगाना चाह रहे हैं तो ये केबल दिया है, इसके अंदर आप पीछे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर तो उसके साथ आप कर सकते हैं। इसमें खूबी ये है कि ये रिचार्जेबल है, जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं इस तरह से चार्ज करते हैंगे, और ये टाइप सी टाइप का कनेक्टर रहेगा और इसमें 1000 mAh की बैटरी है और पूरे दिन का आपको बैकअप देती है ये, और फास्ट चार्जिंग है इसकी, लिथियम बैटरी इसके अंदर दी गई है, फास्ट चार्जिंग है और पूरे दिन इसे इजीली आप यूज़ कर सकते हैंगे, और इसी में टाइप सी के अंदर ये जो केबल मैं आपको दिखा रहा था ये लग जाएगा, ये इसमें लग जाएगा एकदम, और इधर जो है आप हेडफोन लगा सकते हैंगे और वायरलेस अगर नहीं लेना चाह रहे हैं आप। इसके अलावा ये चार्जिंग केबल है, ये चार्जिंग केबल भी नॉर्मली जो मोबाइल की टाइप सी केबल होती है वो केबल है, इसको लगाकर आप चार्ज कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट इसमें आप देख रहे हैंगे ये जो कॉइल हैगी उसका केबल यहाँ पर आकर लगता है। तो इसके अलावा ये इसकी कैटलॉग है, यूजर मैनुअल है, इसमें क्या क्या मिलता है इस पैकेट के अंदर वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले तो मुझे वारंटी कार्ड इसका दिख रहा है, जो दो साल की इसकी वारंटी होती है। इसके अलावा एक क्यूक स्टार्ट, ये यूज़र गाइड है किस तरह मशीन को आपने चलाना है, इसमें तमाम तरीकेकार इसमें बताया हुआ है किस तरह मशीन को आप चलाएंगे, इसमें इजीली गाइड किया हुआ है। और आगे चलते हैं, और क्या है इसमें, इसमें स्टिकर्स देंगे ये आप लगा सकते हैं, ये कंप्लीट कर लो के। और देखते हैं जनाब, दस्ता आएगा इसका, और ये हाइड्रोलिक इसकी कनेक्टिंग रॉड्स देंगी, जिसे आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको दिखा देते हैं अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कोई स्क्रू वगैरह नहीं है इजीली, अब इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ आपको मिलती हैंगी। अब चलते हैं आप, इस मशीन को हम लगाते हैं और देखते हैं इसकी रेंज कितनी है, वो भी हम आपको चेक कर दिखाते हैं। क्यूस एक्सटेंड आईडी मैक्स, इसके भी हम रेंज चेक करेंगे जनाब, छोटी चीज़ों पर कितना देती है और बड़ी चीज़ों पर कितना देती है। हमने प्रैक्टिकली से यूज़ किया तो हमें 1 फीट से लेकर 4 फीट तक इसकी रेंज मिली है, तो प्रैक्टिकली अभी आपको चेक भी कराएंगे। इस पर सेंसिटिविटी हमने इंतहाई कम पर रखी है, अभी इसे हमने यूज़र मोड पर रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर यहाँ पर यूज़र मोड लिखा हुआ आ रहा है, ये यूज़र मोड लिखा हुआ आ रहा है, यूज़र मोड पर हमने किया हुआ इसे, और इसकी सेंसिटिविटी आप देखें हमने 60 पर रखी हुई है, आप इसे 100 तक बढ़ा सकते हैं, अभी जो हम रीडिंग लेंगे वो 60 के ऊपर लेंगे, तो इसे हमने रखा हुआ है 60 के ऊपर, इसे कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने 60 पर रखा, 60 पर आपको दिखाएंगे, 100 पर करेंगे डेफिनेटली इसकी रेंज मजीद बढ़ जाएगी। ये मशीन असम्बल रहेगी, ये इसकी क्वाइल है, उसके साथ ही हमने ये स्केल लगाया हुआ है, देखेंगे ये कितनी रेंज से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले
ये क्वाइन है इनके पास, छोटा सा क्वाइन है, तो देखेंगे कि कितनी इसे ये काम कर रहा है। जी क्वाइन मूव करें इसके सामने से। तो तकरीबन एक फीट तक ये इजीली छोटे से क्वाइन को सर्च कर रहा है। ये देखें यहाँ पर बानी लिखा हुआ रहेगा, ये 1 फीट। अब इनके पास एक गोल्ड का रिंग है, छोटा सा, बिल्कुल छोटे से साइज का गोल्ड का रिंग है। इसे देखते हैं कितने इंच पर इसे डिटेक्ट करता है। जी ये एक फीट से भी ज़्यादा पर ये छोटे से रिंग को ये डिटेक्ट कर रहा है। तकरीबन 15 इंच तक ये रीडिंग दे रहा है, 15 इंच तक यहाँ तक ये साउंड दे रहा है। अब थोड़े से बड़े ऑब्जेक्ट में हम चेक करेंगे इसे। ये इनके पास एक 7 इंच की प्लेट हैगी, और पहले वीडियो में भी इसी प्लेट पर हमने आपको दिखाया था। अब इसकी कॉइल के सामने से गुजारेंगे, देखते हैं कितने दूर से डिटेक्ट कर रहा है। ये जो स्केल इनके हाथ में है ये तकरीबन 1 मीटर का आएगा, 3 फीट तक का स्केल है। देखते हैं कि जनाब कहाँ तक इसे डिटेक्ट कर पाएगा। जी साउंड मशीन दे रही है, नहीं जी ये पूरे 3 फीट तक तो इजीली कर रहा है। स्केल हमें छोटा पड़ रहा है। अब इसके साथ कोई बड़ा स्केल लगाकर देखते हैं कि जनाब ये 8 इंच की जो चीज़ हैगी, ये जो प्लेट हैगी जिसका साइज सिर्फ 7 इंच हैगा, इस 7 इंच की चीज़ को तकरीबन ये आराम से 39 इंच तक डिटेक्ट कर रहा है, जो स्केल हमारा ख़त्म हो रहा है। और 3 फीट आप देख रहे हैं 36 इंच पर आ रहा है, यहाँ डिटेक्ट कर रहा है। अभी इसे बड़े स्केल लगाते हैं, फिर देखते हैं। तो इसके बड़े स्केल के लिए हम इसके नीचे एक स्केल रखते हैं। यहाँ एक बड़ा स्केल हमने रखा है यहाँ पर, और ये बिल्कुल इसकी सीट में रखा है। ये देखेंगे आप यहाँ पर इसकी बिल्कुल सीट में रखा है क्वाइल के। और ये जो स्केल हैगा ये 5 फीट तक हैगा, इसमें आपको दिख रहा होगा ये 4 फीट है, तो ये 5 फीट है। अभी देखते हैं कहाँ तक ये डिटेक्ट करता है। जी ये भी कर रहे हैं जनाब, 8 इंच से 7 इंच की प्लेट है की, और आप देखें कितने दूर से ये डिटेक्ट कर रहा है। 3 फीट पर ये आ गए तकरीबन, और जहाँ तक ये साउंड देगा फिर वहाँ पर आकर मैं नीचे से भी आपको इसकी रीडिंग दिखाऊंगा। ये तकरीबन 4 फीट तक ये साउंड इजीली दे रहा है, 5 फीट के करीब जाने तो साउंड गायब हो गया है, और यहाँ पर साउंड दे रहा। अब ये देखें मैं साइड से घूम कर दिखाता हूँ ताकि आपको रीडिंग भी सही दिखे। यहाँ रुकेगा, ये 4 फीट हैगा, ये देखें 4 फीट लिखा हुआ है, ट्राइन 4 फीट पर मैक्सिमम ये कर रहा है 8 इंच के। अगर इससे बड़ी कोई प्लेट होगी, इससे बड़े साइज़ की चीज़ होगी जो 7 इंच से बड़ी हो, सपोज करें 1 फीट है या 2 फीट है, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा 5 फीट तक भी शायद रीडिंग आ जाए। मगर अभी हमने जो चेक किया है छोटी से ऑब्जेक्ट के पास, 7 इंच का ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी साइज़ लेकर दिखाया गया प्लेट पर, स्केल लेकर आएगा स्केल, ये प्लेट का भी साइज लेते हैं इसका। ये आप देखेंगे 7 इंच की ये प्लेट है, तो 7 इंच की प्लेट को आप देख रहे हैं 4 फीट तक मैक्सिमम जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना था इसका, और आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमसे सवाल कर सकते हैं। इसकी रेंज का आपका प्रैक्टिकली करके दिखा दिया जनाब, ये जो मशीन है मैक्सिमम 4 फीट तक काम कर रही है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट को उससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होगा डेफिनेटली उससे ज़्यादा काम करेगी, और छोटे ऑब्जेक्ट पर मैंने दिखाया छोटे से क्वाइन पर सिक्के पर इजिली 1 फीट से ज़्यादा काम कर रही है। AMD पर ये अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे क्यूज के हमारे पास मॉडल अवेलेबल हैंगे जो हमारे ऑफिस में आकर विजिट करके हमसे ले सकते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और प्लस ये हमारे पास होलसेल प्राइस हैंगे, और सारे जो बेस्ट वर्ल्ड के इस टाइम सारे टॉप मॉडल चल रहे हैं सब हमारे पास AMD पाकिस्तान पर इस टाइम अवेलेबल हैंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।